अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियां अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। और इसके साथ साथ उम्मीद करती हूं कि आप इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर वालों की अपने फारिग वक्त में अच्छे तरीके से मदद भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हमने इंग्लिश का डे 5 का समर टास्क लिखना है और उम्मीद करती हूँ कि आपने कल डे 4 का काम अच्छे से लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा और इसके साथ साथ इंडेक्स में टॉपिक नेम और डेट मेंशन भी कर ली होगी। तो बढ़ते हैं इंग्लिश के डे 5 के समर टास्क की तरफ। तो काम शुरू करने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, तर्जमा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जैसे कि डेली बेसिस पर हम सबसे पहले इंडेक्स में टॉपिक नेम और डेट मेंशन करते हैं, तो बेटा इसी तरह आज भी आपने सबसे पहले डेट और इंडेक्स में टॉपिक नेम मेंशन करने हैं। तो आज हमने करना है इंग्लिश के टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53। तो समर टास्क के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि पेज नंबर 53 में से हमने कौन कौन से पॉइंट राइट करने हैं। बेटा पेज नंबर 53 पर समर टास्क के अकॉर्डिंग आपने रीडमी करना है। जैसे कि रीडमी में है काइंड ऑफ सेंटेंसेस और यहाँ पे इस बॉक्स में काइंड ऑफ सेंटेंसेस आपको बताई गई हैं। जैसे कि क्लास में भी आपको करवाया जाता रहा है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ये इस तरह आपने सबसे पहले काइंड ऑफ सेंटेंसेस की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने ये सारा आपने इंक पेन के साथ राइट करना है। जहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस की हेडिंग आनी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हेडिंग आनी है, इंपेरेटिव सेंटेंस की हेडिंग आनी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हेडिंग आनी है, ये आपने आपको मालूम है कि मार्कर के साथ अच्छी सी नीट एंड क्लीन हेडिंग देनी है और इसके साथ आपने ये स्टेटमेंट इंक पेन के साथ राइट कर लेनी है। लिखने के साथ साथ आपने ये जब याद करने बैठना है तो ये आपने एग्जांपल भी अच्छे से याद कर लेनी है ताकि आपको जहन नशीन हो जाए कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट इसी पेज पे है नेक्स्ट आपका रीडमी जो कि है होमोग्राफ के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको मालूम है बेटा कोई भी दो ऐसे वर्ड जिनके सेम स्पेलिंग हो, सेम प्रोनाउंसिएशन हो, वो होमोग्राफ कहलाते हैं। तो जब आपने ये रीडमी राइट करना है तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है डिफाइन होमोग्राफ विद एन एग्जांपल। तो देन आपने ये डिफाइन लिखनी है और यहाँ से कोई सी भी दो एग्जांपल आपने राइट कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का इंग्लिश का समर टास्क भरपूर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इन इंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना काम अच्छे तरीके से लिखेंगे और याद भी करेंगे। इसके साथ साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। फ़ी अमान अल्लाह।